नए साल के आगाज के साथ ही लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल 1.29 रुपए महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमतों में 97 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल और डीजल के नई दरों का ऐलान किया, जिसके बाद रविवार की आधी रात से ही नई दरें लागू हो चुकी हैं। इससे पहले 17 दिसंबर को पेट्रोल के दाम में 2.21 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि डीजल की कीमत में 1.79 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि देश की तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दामों के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। दिल्ली में सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमत अब 2 रुपए बढ़कर 434.71 रुपए हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 432.71 रुपए थी। वहीं देश के बाकी महानगरों की बात करें तो कोलकाता में घरेलू सिलेंडर की कीमत 434.71 रुपए से बढ़कर अब 463.91 रुपए है। मुंबई में 463.91 रुपए से बढ़कर 465.88 रुपए हो गई है। तो नए साल पर लोगों को महंगाई की मार पड़ी है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में पिछले एक महीने में यह तीसरी और डीजल में पखवाड़े में दूसरी वृद्धि है। देखते रहिए डीबी लाइव।